उत्तर प्रदेश के झांसी से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक हत्यारे ने 6 साल तक यूपी सरकार में नौकरी की, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और वो 6 साल तक सरकारी नौकरी के मजे उठाता रहा। दरअसल हत्यारे अनूप दुबे ने 2013 में अपने सहयोगी देवेंद्र तोमर की हत्या की थी, जिसके बाद उसने सिर्फ 4 महीने जेल में बिताए थे और उसके बाद अनूप ने 2018 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी हासिल कर ली और वो 6 साल तक यूपी सिंचाई विभाग में नौकरी करता रहा। हैरानी की बात तो ये है कि अनूप को सरकारी नौकरी देने से पहले सरकार ने उसके पिछले रिकॉर्ड की कोई जांच ही नहीं की और ना ही कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। दरअसल 13 अगस्त 2024 को अनूप ने झांसी में अपने कार्यालय का दौरा किया और एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया। अगले दिन अदालत ने उसे और उसके 3 अन्य दोस्तों को उसी हत्या के मामले में दोषी ठहरा दिया, जिसके बाद वो वापस अपने काम पर नहीं लौटा और फरार हो गया, जिसके बाद विभाग ने एक जांच शुरू की तो उसके आपराधिक इतिहास और बाद में सजा का पता चला और अब ये मामला सरकारी नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन पर सवाल खड़ा कर रहा है और पूरे सरकारी तंत्र पर कि आखिर ऐसे कैसे एक हत्यारे को सरकारी पद पर बैठा दिया गया। फिलहाल ये पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि अनूप को चरित्र प्रमाण पत्र कैसे जारी किया गया था, जबकि उसके खिलाफ हत्या का मामला मई 2013 में दर्ज किया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।